वेलकम टू पीसमेकर दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2021 और 9 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को एकदम से विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार ने अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, जो लोग भी बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस PDF को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस PDF की, तो इस PDF में जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो आपके आगामी सभी बिहार एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जितनी मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया, आप लोग भी इसका भरपूर लाभ उठाइए। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखें, जो लोग भी घर बैठे 67वीं BPSC BPSC CDPO इन दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो BPSC मेकर ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारे स्टडी मटेरियल आपको इस ऐप पर मिलेगा। एक चीज यहां पर ये ध्यान रखें, करंट अफेयर्स वाला जो कोर्स वहां पर क्रिएट है, जो आप इस सीरीज के तहत वीडियो देखते हैं, जो कि निरंतर 2 वर्षों से चल रहा है, तो ये सारे करंट अफेयर्स को आप BPSC मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स कोर्स के तहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला कोर्स वहां पर क्रिएट है जिसका एक्चुअल फी है 199, लेकिन यहां पर 10 दिसंबर 2021 तक के लिए एक ऑफर लाया गया था जिसमें कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसका जो मतलब फी है अभी एक घटकर 99 रुपया हो गया है। तो आप लोग इसे 10 दिसंबर 2021 से पहले से ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसका डेडलाइन है 10 दिसंबर 2021। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी जब ये घोषणा हुई थी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो होगा ये होगा नालंदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूँ कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि सिर्फ बिहार के नालंदा में ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के 4 राज्यों में 11 से 13 नवंबर के बीच ये आयुर्वेद पर्व मनाया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि आयुर्वेद पर्व के आयोजन का मकसद लोगों में आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़ाना है। और यहाँ पे बात आई है नालंदा की, तो नालंदा के बारे में एक प्रश्न है जो कि आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में नालंदा जिले के सवैत पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया था, 2021 में ये प्रदान किया गया था। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है या फिर किस राज्य को सौंपी गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार को, मतलब ये अभी हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि वॉलीबॉल से मिलता जुलता खेल और विश्व खेलों में शामिल फिस्टबॉल को नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसका आयोजन 17 से लेकर के 20 दिसंबर तक जहानाबाद के कुर्मा संस्कृति स्कूल में होगा, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह बिहार में पहली बार 12वीं जूनियर और 6वीं फेडरेशन कप फुटबॉल चैंपियनशिप होगी या फिर चैंपियनशिप आयोजित होगी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भी हाल ही में 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि म्यांमार की एक विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 2021 को म्यांमार के अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को असंतोष भड़काने और प्राकृतिक आपदा कानून के तहत कोविड नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में म्यांमार के नेता, जो कि अपदस्थ नेता है आंग सान सू की को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके पीछे जो मतलब कह सकते हैं रीजन है, ये असंतोष भड़काने और प्राकृतिक आपदा के तहत कोविड नियमों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए ये कारावास की सजा सुनाई गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें असंतोष भड़काने की, तो इस वाले पॉइंट आप देख सकते हैं इसका मुख्य कारण ये था कि असंतोष भड़काने का आरोप उनकी फेसबुक पोस्ट से संबंधित है।
अब यहाँ पे अगर हम इसके अलावा बात करें तो 76 वर्षीय स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी पर गोपनीयता कानून के उल्लंघन जैसे 11 आरोप लगाए गए हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको फरवरी महीने में दिया था, फरवरी 2021 में, और उस समय ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि म्यांमार में सेना ने जवानों ने बल्कि चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए फरवरी 2021 में तख्ता पलट कर दिया था और आंग सान सूकी और विन मिंट समेत पार्टी के हजारों नेताओं व समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये आपको मैंने कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी फरवरी 2021 में आपको बताया था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फॉलो किए हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद होगा कि म्यांमार में वहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं शीर्ष मतलब नेता थे उनको मतलब कह सकते हैं अपदस्थ करके उनको बंदी बनाया गया और देश में तख्तापलट करते हुए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कोरोना योद्धाओं का स्मारक बनाने का फैसला किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा इसका अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूँ कि हाल ही में दिल्ली में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कोरोना योद्धाओं का स्मारक बनाया जाएगा, ये घोषणा अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लिया है। आपको यहाँ पर बता दूँ यह कोरोना योद्धाओं के सम्मान में स्मारक का निर्माण किया जाएगा ताकि महामारी के दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान एवं उल्लेखनीय कार्यों को याद किया जा सके। इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसका घोषणा हुआ है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस स्मारक का अनावरण अगले वर्ष 26 जनवरी को होने की संभावना है। अब यहाँ पर हमने दिल्ली से रिलेटेड दो पॉइंट को ऐड किया है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा पहली बार देशभक्ति बजट पेश किया गया था और साथ साथ दिल्ली में भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर बनाया गया। ये दोनों पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी में है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है हाल ही में भारत के किस सर्वेक्षण पोत का जलावरण कोलकाता में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS संध्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूँ, कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में भारतीय नौसेनाओं के पहले स्वदेशी सर्वेक्षण पोत संध्यक का जलावरण किया गया है। आप यहाँ पर इस पोत को देख सकते हैं, इसका नाम है INS संध्यक। और अगर हम बात करें इस पोत की तो इसका जो वजन है तो इस जहाज का वजन करीब 3400 टन माना जाता है, यानी कि 3400 टन इस जहाज का वजन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस सर्वेक्षण पोत से समुद्री सुरक्षा के निगरानी में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ साथ सेना की ताकत बढ़ाने वाला यह जहाज रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। तो इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसे मतलब कर सकते हैं जलावरण किया गया है। और यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में हमने एक और चीज़ को ऐड किया है कि यह जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप बनाया गया है या फिर अनुरूप है और इसे अक्टूबर 2022 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा C-2021 लियोनार्ड की खोज की गई थी, यह क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है कि ये जो अभी हाल ही में इसकी जो खोज हुई C-2021 लियोनार्ड के, यह एक धूमकेतु है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूँ कि 3 जनवरी 2021 को वैज्ञानिक GE लियोनार्ड ने C-2021 लियोनार्ड की खोज की थी और यह एक धूमकेतु है। लेकिन अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे करंट अफेयर्स में शामिल किया है तो कुछ तो वजह होगी। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि अब हाल ही में यह चर्चा का विषय है। दरअसल हरे रंग में रंगा यह धूमकेतु इन दिनों धरती के करीब आ पहुँचा है और वैज्ञानिकों के अनुसार 12 दिसंबर 2021 को यह पृथ्वी के सर्वाधिक करीब होगा और इस वजह से अभी हाल ही में ये चर्चे में है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा, जबकि 18 दिसंबर को यह सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रह शुक्र के करीब होगा और 3 जनवरी 2022 को सूर्य के सबसे निकट होगा, जिसे कि नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये मतलब जिस प्रकार से जितनी तेजी से पृथ्वी को ओर बढ़ा इसी वजह से अभी हाल ही में चर्चे में है। तो आपको ये ध्यान रखना ये एक धूमकेतु है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, BPSC मेकर करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में लॉन्च हो चुका है। आप लोग से मार्केट से भी नई देखिए बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं और साथ साथ Amazon और Flipkart से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में BWF विश्व टूर फाइनल्स में PV सिंधु को कौन सा पदक मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल PV सिंधु को मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया की आन शियोंग से सीधे गेम में हारने के कारण BWF विश्व टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, अभी हाल ही में जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, ये खिताबी मुकाबले में BWF विश्व टूर फाइनल्स में जो खिताबी मुकाबला था उसमें मतलब कह सकते हैं दक्षिण कोरिया की आन शियोंग से मतलब ये हार गई, जिसके बाद इन्हें मतलब कह सकते हैं रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया के आन शियोंग की, तो इस वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं आन शियोंग ओलंपिक मेडलिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा और उन्होंने इससे पहले इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीत चुकी है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने इसी प्रश्न से संबंधित और भी चीज़ों को ऐड किया है कि वहीं विश्व के नंबर वन विक्टर एक्सेलसन ने थाईलैंड के कुंदलावुत विति दर्शन को हरा करके विश्व टूर फाइनल से पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु से कुछ प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। और वहीं पे अगर हम बात करें टोक्यो 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा आठवां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा गीता महोत्सव 2021 का। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर के 19 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है। हालांकि इस महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 9 से लेकर के 14 दिसंबर तक ही आयोजित होंगे, ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इसमें 14 दिसंबर को दीपोत्सव जो कार्यक्रम होगा ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इस बार यहाँ पर 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 2020 में इस महोत्सव में 2.25 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर दीपोत्सव कार्यक्रम जो 14 दिसंबर को होगा, जो कि इसका अंतिम दिन होगा, वहाँ पर 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 9 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत आर्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और बात कर रहे हैं हम लोग हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड एक चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुइस हैमिल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूँ कि हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टैपेन को पछाड़कर सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में जीत दर्ज की है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड के फार्मूला 1 रेसिंग ब्रिटिश ड्राइवर हैं और वे मर्सिडीज के ड्राइवर हैं तथा फार्मूला 1 के आज तक के सबसे युवा चैंपियन भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें, ये ब्रिटिश ड्राइवर हैं फार्मूला 1 के, जो कि कह सकते हैं मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दसवां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही में भारत के दौरे पर हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूँ कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। और यहाँ पर हमारा अगला है कि 6 दिसंबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठक हुई और इसके बाद 2+2 व्यवस्था के तहत पहली संयुक्त बैठक भी आयोजित हुई, ये भी आपको ध्यान रखना। अभी हाल ही में 2+2 व्यवस्था के तहत जो पहली संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, ये रूस के साथ आयोजित हुई है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत रूस शिखर बैठक की अगुवाई की और साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बड़ी शक्ति और विश्वसनीय दोस्त करार दिया और दोनों देशों के बीच 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अभी हाल ही में जो रूसी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो यहाँ पर 28 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को यहाँ पे हमने ऐड किया है कि रूस देश की नौसेना पहली बार फुल्ली स्टेट वारशिप बना रही है और साथ साथ रूस द्वारा देश के पहले अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। तो दोनों पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भारत और किस देश ने मैत्री दिवस मनाया है। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 50 वर्ष पूर्व 6 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान से अलग हुए देश बांग्लादेश को मान्यता दी थी, यानी कि बांग्लादेश को कह सकते हैं विश्व के पटल पर मतलब कह सकते हैं मान्यता दिया गया था भारत द्वारा 6 दिसंबर 1971 को। और इसी दिवस के अवसर पर इसी उपलक्ष्य में 6 दिसंबर 2021 को ढाका नई दिल्ली समेत पूरे कह सकते हैं दूसरे कई देशों की राजधानियों में मैत्री दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश को मान्यता देने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से लेकर के 17 दिसंबर के बीच ढाका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे,
ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपको कल से शायद कल या परसों आपको बताया था कि हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध का नवीनीकरण किया गया है, इसमें कह सकते हैं 5 वर्षों के लिए से बढ़ाया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहाँ पे हमारा अगला पार्ट है कि 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की यात्रा की थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और भारत द्वारा जिसे जो मान्यता दिया गया था ये 6 दिसंबर 1971 को दिया गया था। तो दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस जो मनाया जाता है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्ष 2013 से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा कि नागरिक उड्डयन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकरूपता को बनाए रखने के लिए 7 दिसंबर 1944 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था और वर्ष 2023 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की जो थीम है ये आपको ध्यान रखना होगा। ये थीम है एडवांसिंग इनोवेशन ऑफ ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये 2023 तक के लिए थीम निर्धारित किया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का और ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है और इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? आप मुझे बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी दे दिया है। आप यहाँ पर जब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों का आप वहाँ पर एकदम से विश्लेषण सहित लिखें। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेगर ऐप के थ्रू आप इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे स्टडी मटेरियल और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारे मटेरियल आपको वहाँ पर बीपीएससी मेगर ऐप पर मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, ऑफर जो है ये करंट अफेयर्स वाले कोर्स में, इस कोर्स के तहत आपको यहाँ पर केवल और केवल 99 रुपये पे करके ये सारी चीज़ें एक्सेस करने दिया जाएगा और यहाँ पर आपको लगभग 100 रुपये का छूट देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए बीपीएससी मेगर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसका मेंबरशिप लेके ये तमाम मटेरियल को वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता यहां पर यह है कि इसमें जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तब से लेकर के आगामी 1 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा आपके लिए और जितने भी मटेरियल उस कोर्स के तहत अब तक अपलोड हो चुके हैं ऐप पर वो भी आपको वहां पर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो अनलॉक हो जाएगा और वहां पर जितने भी मटेरियल अपलोड होंगे वो सारे आपके लिए मतलब कह सकते हैं अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।